हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्मिता, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही डिलीशियस खीर की रेसिपी, जिसे हम विद इन 15 मिनट बनाकर रेडी कर देंगे। और ये खीर इतनी डिलीशियस होगी जैसे कि आपको प्रसाद या भंडारे वाली खीर का स्वाद आता है, बिल्कुल वही स्वाद आपको इस घर की खीर में आएगा। और इसको बनाने की एक सिंपल सी ट्रिक है जिससे ये बहुत क्विक बन जाएगी, साथ में ये काफ़ी थिक होगी और जो मिल्क और राइस है वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होगा। और अभी सावन का महीना चल रहा है तो सावन में खीर बनाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो आप भी अपने घर में ये खीर की रेसिपी ट्राई करें और अपने आराध्य देव को इसका भोग लगाएं। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप राइस को सोक किया है और ये 15 मिनट से मैंने सोक करके रखा हुआ है। 1.5 लीटर मैंने लिया है यहाँ पे मिल्क और ये ऑलरेडी मैंने बॉईल किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने चावल भिगो के रखे हैं उसे हम अच्छे से छान लेंगे और एक बार दोबारा से पानी से साफ़ करके इसको इस तरह से स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। इस तरह से इसमें से काफ़ी सारा स्टार्च भी निकल जाएगा। सेकेंड प्रोसेस है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए हम पैन हीटअप करेंगे। उसमें मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, आप बिना घी के भी इसे रोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो चावल भिगो के रखे हैं उन्हें अच्छे से घी के साथ रोस्ट कर लेंगे, इससे जो मॉइस्चर इसमें आया है वो उड़ जाएगा और साथ ही साथ ये राइस हाफ कुक भी हो जाएंगे। एक तो ये सॉफ्ट हो गए हैं क्योंकि हमने इन्हें भिगोया है, सेकंड हम जब इसे रोस्ट करेंगे तो एक भीनी भीनी सी घी की खुशबू इसमें आएगी, साथ ही इसका कुकिंग टाइम भी कम हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक स्पेशल ट्रिक है इस खीर को बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब ये चावल बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, आप चाहे तो हल्का सा इन्हें गोल्डन कलर कर सकते हैं। इनको मैंने अलग हटा दिया है और दूध को मैंने बॉईल करने रख दिया है। इन चावल को हम हल्का सा ग्राइंड करेंगे, कोर्सली ग्राइंड करना है, आप चाहे तो मिक्सी का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट से कूट लूँगी थोड़ा सा, ताकि मोटे मोटे चंक्स इसमें रहें जो खाने में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर इस कूटनी में मैं इसको हल्का हल्का सा दरदरा कूट ले रही हूँ। थोड़े थोड़े लंबे ग्रेन्स भी रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खीर उससे बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर रफली इस तरह से इनको कूट रही हूँ और आप देख सकते हैं किस तरह के ये हो गए। कुछ पीसेस हाफ हो जाएंगे, कुछ पूरे भी रह सकते हैं। तो इस तरह से आपको इन चावलों को रेडी करना है। जब ये सारे चावल इस तरह से टुकड़े में आ जाएं, फिर बस इसे हम साइड रख देंगे। इस टाइम तक दूध में हमारे एक बॉईल और आ चुका है, तो इस तरह से 2 बॉईल इस दूध में आ चुके हैं और इसमें अब हम ऐड करेंगे ये राइस। तो आप देख सकते हैं राइस का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और आप टेस्ट में भी काफ़ी डिफरेंस देखेंगे अगर आप इस तरह से खीर बनाते हैं। तो इस तरह से सारे चावल को हम दूध के साथ मिक्स कर देंगे और अब इसे हिलाते हुए हल्की आंच पे कुक करेंगे। इसके ऊपर हम मलाई नहीं जमने देंगे, इसको स्टर करते हुए हम कुक करेंगे जब तक कि चावल थोड़ा सा मोटा नहीं हो जाता, यानी कि फूल नहीं जाता। हाफ कुक जब चावल हो जाए फिर आप चाहे तो उसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आंच को तेज़ करके कंटिन्यूसली हिलाते हुए कर रही हूँ, बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा मिल्क मैं निकाल लूँगी सैफ्रन यानी कि केसर को सोक करने के लिए, उसे आप साइड रख दें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉईल आने लगा है और जैसे ही चावल थोड़ा सा कुक होता है चावल आपको ऊपर दिखाई देने लगेगा। तो जब तक ये वाला स्टेज नहीं आ जाता जबकि आपको चावल थोड़ा सा फूला नहीं दिखने लगता, तब तक आप इसे कंटिन्यूसली हिलाएं। उसके बाद चाहे तो आप हल्की आँच करके इसे छोड़ सकते हैं, बट स्टार्टिंग के कुछ टाइम आपको इसको हिलाते रहना है ताकि इसमें मलाई नहीं जमे। विद इन 5 to 7 मिनट आप देखेंगे कि चावल हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कुक हो चुके हैं और वो काफ़ी थिक भी हो गई है। तो यहाँ पर इसे प्रेस करके देखेंगे तो ये चावल एकदम परफेक्टली कुक हो गया है। जस्ट हमको जो मिल्क इसमें है उसे और कढ़ाना है। इस स्टेज पे अगर आपको लगता है कि चावल कई बार नहीं कुक हुआ है तो उसमें आप दूध की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ये चावल ऑलमोस्ट डन है। मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं जिसमें काजू, बादाम, पिस्ता और थोड़ी सी किशमिश ली है, इन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और इसका मैं पाउडर कर लूँगी साथ में थोड़ी सी इलायची के साथ में, क्योंकि मेरे यहाँ पे ड्राई फ्रूट ऊपर से तो डाले जाते हैं बट खीर के अंदर पसंद नहीं करते हैं। तो मैं इस तरह पाउडर बना के रखती हूँ जिसमें इलायची और जो भी ड्राई फ्रूट डालने होते हैं उसको पाउडर कर लिया है। तो यहाँ पे 3 चम्मच मैंने ये डाला है
और इसके डालने से बहुत ही अच्छा इसमें एरोमा आ जाता है, क्योंकि इलायची और ड्राई फ्रूट सारे रोस्ट होने के बाद ग्राइंड किए हुए हैं। तो ये डालने के बाद ये खीर काफ़ी अच्छी थिक हो गई। अब इसमें हम ऐड करेंगे सैफ्रन, जो हमने दूध के साथ सोख करके रखा है। अगर आप ठंडी खीर खाते हैं तो आप इसको इसी तरह से इसी स्टेज पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको गर्म खानी है तो उसके लिए थोड़ा सा ये रनी है, उसको आप थोड़ा सा और कुक कर सकते हैं। मैं इसे ठंडा करूँगी, तो सैफ्रन डालने के बाद सबसे लास्ट में, लास्ट बॉयल आने से पहले मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। तो 1/4 कप से भी कम मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और अभी इस खीर का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आ गया है, तो बस इसे गैस को बंद कर दूंगी और इसी तरह से थोड़ी देर छोड़ देंगे तो हमारी खीर बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो गई है। और थोड़ी सी ठंडी होने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। यहाँ पर मैंने इस खीर को एक बड़े बोल में ले लिया है और इसके बाद इसे ठंडा करने रखेंगे। ठंडा करने से पहले मैं इसको गार्निश कर रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ, जो मैंने चॉप करके रखे हैं। तो उसमें पिस्ता, काजू, बादाम, आप जो भी पसंद करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर एक ट्राई दें, बहुत ही टेस्टी बनती है और काफ़ी टेस्ट में डिफरेंस भी आता है, और इसको बनाना भी काफ़ी क्विक है। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।